हेलो फ्रेंड्स, शिवांगी किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू और सूजी का बिल्कुल नया सा नाश्ता, जिसको कि आप चाय के साथ एज ए स्नैक्स ले सकते हैं या सुबह नाश्ते के टाइम पे बना सकते हैं, मॉर्निंग में छुट्टी के दिन बना सकते हैं, बच्चों के बर्थडे पे बना सकते हैं। बिल्कुल अलग सी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा कटोरा बारीक वाली सूजी, और अब हम फ्राई पैन को रख लेंगे चूल्हे में और इसमें एक बड़ा चम्मच डाल देंगे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले लें, लेकिन उसको अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, एक कटी हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा काले वाले तिल डाल दिए हैं, और धीमी आंच पे हम इन सबको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये हमारे भून जाएँ तो हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े कप पानी के। पानी आपको अपनी सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा लेना है। अगर सूजी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी, कम है तो कम पानी। यहाँ पे मैंने डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, जो मसाले होते हैं हमारे बेसिक, ये लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। आप चाहें तो गर्म मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे पानी में 2-3 उबाल आ गए तो मैंने डाल दिया है सूजी को, धीरे धीरे करके ही डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। एक ही बार में पूरी सूजी ना डालें, कभी कभी क्या हो जाता है पानी कम पड़ जाता है, तो आप पानी का हिसाब देख के ही सूजी को डालें, क्योंकि सूजी फिर पानी को एकदम से सोख लेती है। तो मुझे लग रहा था कि पानी सफिशेंट है, तो मैंने यहाँ पर पूरी सूजी इसमें डाल दी है। तो बहुत ही कम टाइम में हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसको आप चाहें तो चटनी या चाय वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 बड़े आलू, जो कि अच्छे से ठंडे हो रखे हैं, फ्रिज में मैंने रखे थे। और यहाँ पे हमारा मिक्सचर भी सूजी का ठंडा हो गया है, मतलब हाथ सहने लायक है, गुनगुना टाइप का हो गया है। अब हम आलू भी इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, एक डो बना लेंगे आटे का तरह, मतलब जिस तरीके से होता है। और इसी में मैं मिला रही हूँ, जिस बर्तन में मैंने सूजी का मिक्सचर बनाया, क्योंकि थाली में इधर उधर गिर जाएगा। अब हम एक बेलन में इसको सिलेंड्रिकल शेप में या बेलन के शेप में, मतलब ऐसे बना लेंगे और इसमें से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जो ये है इसका शेप, आप चाहें तो राउंड शेप में भी ले सकते हैं, लेकिन आँखों से भी अगर देखने में कोई रेसिपी अच्छी लगे तो खाने में और भी टेस्टी लगती है। तो आप इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद है। मैं इसको इस तरीके के शेप दे रही हूँ और इनको अच्छे से सेट करके, तो ये देखिए एक बार के हमारे बन गए हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है अच्छे से, हाई फ्लेम पे ही हमें ऑयल को गर्म करना है और हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जैसे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपने स्नैक्स और इनको धीमे हाई फ्लेम पे ही 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे और एक क्रिस्पी करारे बनके तैयार हो जाते हैं। बीच बीच में आप फ्लेम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको लगेगा कि हम फ्लेम, मतलब तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो फ्लेम को थोड़ा कम कर लें। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। मेहनत तो थोड़ा लगती है, मेहनत हर काम में लगती है, लेकिन अगर उसका फल अच्छा मिले तो फिर मज़ा आ जाता है। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, ये देखिए बन के तैयार हो रही है। और कभी भी आप इसको बना सकते हैं, बच्चों को भी पसंद आने वाली रेसिपी है, बड़ों को भी पसंद आने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे हमारे ये फ्राइज बन के तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे एक झारे में, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल इसका बाहर निकल जाए। फिर इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे और कम से कम टाइम में टेस्टी सी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो ये मैं दूसरी बार के स्नैक्स उसमें डाल रही हूँ। तो कभी भी स्पेशल ओकेज़न पे आप इसको बना सकते हैं। और अगर सूजी मोटी वाली है तो आप उसको ग्राइंडिंग जार में पीस के बारीक बना सकते हैं। और आलू उबले हुए हैं और ठंडे होने चाहिए, क्योंकि फिर गर्म आलू ऐसे गीलापन ज़्यादा आ जाता है उस मिक्सचर में, तो ठंडे आलू से उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, मतलब उसका शेप अच्छा बन जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और बहुत ही प्यारा कलर हमारे स्नैक्स का आ गया है। इसको मैं सर्व करूँगी टोमेटो केचप के साथ। आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं।
और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। आजकल वैसे गर्मियों का मौसम है तो गर्मी में ज़्यादा ऐसी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, गर्म मसाला वगैरह। तो गर्मी का मौसम था इसी वजह से मैंने जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और ये क्या गरम मसाला वगैरह नहीं डाला है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे आलू सूजी का मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हुआ है और इसको मैंने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, दिखने में भी और खाने में भी रियल में टेस्टी था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और इसी तरीके की आसान सी सिंपल सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इंग्रेडिएंट्स मेनली किचन में होते हैं हम उन्हीं से रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं, एक्स्ट्रा आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, टेक केयर एंड बाय बाय।